पूरे देश में आजकल प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनने की होड़ सी मची है। ममता बनर्जी ने कुछ महीनों पहले जो दिल्ली दौड़ लगाई थी, वही दौड़ नीतीश कुमार लगा चुके। ममता बनर्जी भी यही कहती थी कि वे एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगी, नीतीश कुमार भी यही कहते हैं, लेकिन सियासत में जो कहा जाता है यह होता नहीं। ममता बनर्जी दो कदम आगे बढ़कर नीतीश अरविंद केजरीवाल से भी मिलाई। यह मुलाकात इसलिए खास रही कि नीतीश कुमार शराब विरोधी हैं। बिहार में शराब की बिक्री पर वे बैन लगा चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली के हर मोहल्ले में दो दो शराब की दुकानें खुलवा दी। शराब की सियासत को किनारे लगाते हुए नीतीश कुमार उनसे भी मिले, लेकिन किसके लिए? ओम प्रकाश राजभर ने हर राज्य से निकलकर प्रधानमंत्री कैंडिडेट की दावेदारी करने वाले नेताओं की जमकर क्लास लगाई और एक तरह से उनकी पोल खोल दी। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने नीतीश कुमार को लेकर भी बयान दिया है। राजभर ने कहा कि यूपी में अखिलेश यादव ने चुनाव में अगुवाई की थी, 2022 का चुनाव वो लड़े ही हैं, सबने ये देख भी लिया। जहां तक सवाल नीतीश कुमार का है तो ये लोग पहले तय तो कर लें, किसी नेता की मुसीबत में जाकर मिलना एक अलग बात है, लेकिन एक फ्रंट बनाकर उसका चेहरा घोषित कर देना एक अलग बात है। अभी तक केवल हवा में ही सब बात हो रही है। ओपी राजभर ने कहा कि अभी मैंने सुना है कि एक सपा नेता ने कहा है कि असली प्रधानमंत्री के दावेदार अखिलेश यादव हैं। उधर ममता बनर्जी अलग चिल्ला रही हैं, शरद पवार अलग चिल्ला रहे हैं और केजरीवाल अलग चिल्ला रहे हैं। ये लोग पहले बैठकर तय तो करें कौन चेहरा होगा, इन लोगों का गुट तो पहले एक हो जाए, तब आगे की बात हो सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर कहा कि जय मुंडी तय पिंडी है, सब लोग बैठकर और एक होकर कोई निर्णय ले तो उस पर चर्चा की जा सकती है, तब उस पर विचार हो सकता है कि ये ताकत होगा या नहीं, ये कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सत्ता में होते हैं तो यादव दिखता है और नीतीश कुमार सत्ता में होते हैं तो पटेल दिखाई देगा। जो जिस जाति का मुख्यमंत्री होता है वो अपने जाति को ही देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।